गुड मॉर्निंग दोस्तों, डेट है 10 जून 2022, 9:12:33 हो रहे हैं। हम क्विकली अपना बैंक निफ्टी का मॉर्निंग बॉट है उसको टर्न ऑन कर देते हैं। गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और इमीडिएटली हम क्या करेंगे, कनेक्ट ऑप्शन में जाके अलाइज ब्लू के ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, अलाइज ब्लू के ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में और प्रीवियस डे के ऑर्डर्स को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद टर्मिनल पे जाएंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक कर देंगे। इतना सा ही स्टेप्स है, इतना करने से हमारा बॉट स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही 9:15 बजेगा वो अपना एग्जीक्यूशन जो है शुरू कर देगा और 9:16 को ये बॉट ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए तैयार होगा। तब तक के लिए वेट करते हैं दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों टाइम देखिए, 9:14:40 हो रहे हैं और अगर मार्केट पे आप थोड़ा गौर फरमाएं, मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा है। निफ्टी बैंक जो है 400 पॉइंट नीचे आज ओपन हो रहा है। अगर 400 पॉइंट देखे कुछ ये लेवल के आसपास ओपन होगा जो कि लगभग जो है प्रीवियस डे के लो के आसपास ओपन होगा, तो मार्केट शुरू हो गया है। दोस्तों देखिए, एक ही पल में जैसे ही हम बात करना शुरू किए, मार्केट अपना जो है काम शुरू कर दिया है। दोस्तों पहला कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। कोई भी ऑर्डर आता है आप लोगों को अपडेट करता हूं। दोस्तों देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि यहां से हमें आज के डे का पहला एंट्री वो भी कॉल साइड में मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है, बट कंडीशन अभी मैच नहीं हुआ है। जी हाँ, कंडीशन मैच हो गया है। देखिए मैं आपको इमीडिएट बेसिस में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए दो ऑर्डर्स हमारे आ चुके हैं जो कि 34,700 के स्ट्राइक प्राइस में हमें मिले हैं। दो ऑर्डर 405.90 यानी कि 406 के आसपास के एवरेज भाव में ये दोनों ऑर्डर हमें मिल चुके हैं। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे और इमीडिएटली जूम करके देखेंगे एंट्री 34,700 2.65 दोनों में। पहला टारगेट हमारा होता है 34,790.55, दूसरा टारगेट 34,834.5, स्टॉप लॉस 34,658.7 का होता है। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, किसी भी साइड हिट होता है अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा SL कटने के बराबर आ गया है। देखिए हमारा जो 405 के भाव में जो हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया था उसको 380.85 यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया है। दोस्तों 50 पॉइंट का लॉस पे अभी हम चल रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, कोई नया ट्रेड बनता है तो अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन में एक सेकेंड एंट्री वी मे फाइंड आउट राइट नाउ, कंडीशन मैच नहीं हुआ है। जैसे ही कंडीशन मैच होगा हमारा दूसरा एंट्री कॉल ऑप्शन में बन जाएगा, ऐसा सिचुएशन पर है मार्केट अभी, पर मूवमेंट नहीं दे रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कॉल में एक एंट्री बन सकता है पॉसिबली, जी हाँ बन गया है, जो कि 34,600 के कॉल में 400.90 के भाव में 401 मतलब एवरेज भाव 400 में हमें मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग अपडेट करता हूँ। एंट्री हुआ है 34,586 के भाव में, स्टॉप लॉस है 34,570.25 का और पहला टारगेट है 34,620 और दूसरा टारगेट 34,636 का। स्टे ट्यून दोस्तों, अपडेट करता हूँ किसी भी साइड मार्केट जाता है तो। 620 का पहला टारगेट था, 599 का हाई मार के अभी वापस आया है। स्टे ट्यून्ड, पहला टारगेट के कगार पर मार्केट, जो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था उसका पहला टारगेट 620 का है। 616 613 620 आ गया है दोस्तों, 619 20 थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, 620.05 का है। जी हाँ आ गया है, आ जाना चाहिए, पर टारगेट अभी तक आया क्यों नहीं, आई एम लिटिल कंफ्यूज। जी हाँ आ गया है, बट यहाँ पे जो है नोटिफाई नहीं कर रहा था। 409.45 के भाव में पहला टारगेट हिट हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे क्विकली, यहाँ पे क्या करेंगे हम अपना जो कॉल ऑप्शन है उसका स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। स्टॉप लॉस 500 पे है, 586.85 पे ले आएंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ही हमने ट्रेल कर दिया, अभी ट्रेड में हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा और जो हमने पॉइंट जितना कैप्चर किया है वो हमारा बच जाएगा। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, अपडेट करता हूँ। दोस्तों दूसरा टारगेट भी हिट होने के कगार पर है, 32 का भाव चल रहा है, 36 का टारगेट है, 34, 39 जी हाँ हो गया है। देखिए यहाँ पे 416 के भाव में हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है, तो इस ट्रेड में कुल मिला के हमें 9 प्लस
16 यानी कि 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। पहला ट्रेड में हमने 25 25 50 पॉइंट का लॉस स्पॉट सॉरी ऑप्शन में झेला था, उसके अगेंस्ट हमें 25 पॉइंट की रिकवरी मिल गई है। कोई नया ट्रेड मिलता है दोस्तों डेफिनेटली अपडेट कर। दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है, पुट में पहला एंट्री बन सकता है, ऐसा कंडीशन अराइज नहीं हुआ है पर कंडीशन के आसपास मार्केट मंडरा रहा है। अगर हो जाता है डेफिनेटली पुट में एक ऑर्डर यहाँ पे पंच हो जाएगा। देखिए पुट में ऑर्डर पंच हो गया है दोस्तों, एक ऑर्डर गया है, दूसरा ऑर्डर गया नहीं है अभी तक। जी हाँ चला गया 377.95, 379 मतलब अप्रोक्स 378.5 के एवरेज भाव में एंट्री हुआ था। यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी आपको अपडेट कर देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो एंट्री है 34,629.05 में एंट्री है, पहला टारगेट हो गया 34,604.25 का, 34,591.85 का दूसरा टारगेट है, 34,641 का स्टॉप लॉस है। देखते हैं दोस्तों 604 का पहला टारगेट है, हिट हो जाना चाहिए इमिडिएट बेसिस में। फ्लो में आया है मार्केट 610 609, थोड़ा सा अगर आ जाए 604 तक तो हमारा एक टारगेट तो एटलीस्ट हिट हो जाएगा। 606 607 थोड़ा सा और चाहिए। जी हाँ 605 602, यस पहला टारगेट हिट हो गया है। देखिए 379 पे घुसे थे, 385 84 पे हमने एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे रिफ्रेश करके इसको हम क्या करते हैं, एडिट करके इसका जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट में ले आते हैं। 629.05 का एंट्री पर ले आते हैं हम दोस्तों, 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। पर हमारा जो हमारा प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस करके ये चल रहा है भाई। बिना प्रिंसिपल का काम नहीं होता यहाँ पे। देखिए जो शॉर्ट पोजीशन बना था हमारा पहला टारगेट देने के बाद, देखिए यहाँ पे जो लो मारा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो लो मारा है वो है 34,593.45 का। 593 हमारा टारगेट क्या था, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 591.85 का था दोस्तों, वहां से घूम आया 2 पॉइंट के लिए, दूसरा टारगेट हमारा नहीं हिट हुआ और वहां से घूम के चला आया मार्केट। स्टे ट्यून दोस्तों, अपडेट करता हूँ। देखिए दोस्तों कॉस्ट के आसपास मंडरा रहा है, जो पुट ऑप्शन में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया था वो पुट ऑप्शन के कॉस्ट के आसपास मंडरा रहा है। हाँ वो और वो कट गया है। और यहाँ पे 379.78 के भाव में जो एंट्री हुआ था उसका स्टॉप लॉस 375 में कट गया है। मतलब ये ट्रेड में अगर कुल मिला के हम देखें, नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है दोस्तों। अगला ट्रेड के इंतजार करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पुट में फिर से एंट्री मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो दिख रहा है, थोड़ा सा मोमेंट देगा नीचे की तरफ, पुट में एंट्री बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस कैंडल के लो जैसे ही क्रॉस होता है हमें पुट में एंट्री डेफिनेट बेसिस में मिल जाएगा, पर नहीं हो रहा है, वहीं पे ही अटका हुआ है। जी हाँ क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए पुट में हमें एंट्री मिल जाएगा, पहला एंट्री मिल गया है 34,600 के पुट में, दो एंट्री हमें इमीडिएट मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री तो बन चुका है। यहाँ के टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से गौर फरमा के देखिए, यहाँ पे जो एंट्री है 34,648.85 के भाव में एंट्री हुआ है, पहला टारगेट 34,606.4 का है, सॉरी पहला टारगेट 34,620.55 का है, दूसरा 34,604 का है, 34,663 का स्टॉप लॉस है दोस्तों। अपडेट करता हूँ जिस भी तरह फिट होता है। देखिए 620 का पहला टारगेट जल्दी आ जाएगा ऐसा लग रहा है, 625 तक आ गया है, 626 25 यहां तक बहुत फास्ट आ गया मार्केट, दो ही कैंडल में मूवमेंट दे दिया। बट 620 तक आएगा तभी जाके हमारा पहला टारगेट ही गया, 622 आ गया भाई दोस्तों पर 620 नहीं आया है। देखिए वहां से बहुत तगड़ा रिजेक्शन मारा, 620 नहीं गया दोस्तों, यही होता है दोस्तों, वहीं से वहीं पे उसी एरिया से बार बार रिजेक्शन मारा है, बार 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 रिजेक्शन मारा है। देख पा रहे हैं मोमेंट को आप, देखिए आई विश हमारा पहला टारगेट एटलीस्ट हिट हो जाए, दूसरा टारगेट हम कॉस्ट टू कॉस्ट तो ट्रेल ही करते हैं। जी हाँ पहला टारगेट चला गया है, यस आ गया है हमारा 671.55 पे एंट्री किया था, 677.10 में हमें मिल गया है दोस्तों। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ट्रेल करते हैं, एडिट वन यहाँ पे ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस 648 पे ले आएंगे, वापस 48.85 में ले आते हैं। दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा टारगेट 606 का है, 606 का वैल्यू में दूसरा टारगेट है। देखिए
लो इस कैंडल ने मारा है वो है 619 का, 619 का लो मारा और हमारा पहला जो टारगेट पुट ऑप्शन का है वो हिट होके वापस आ गया है दोस्तों। मार्केट वहीं पे मंडरा रहा है, लेट्स सी किस तरह मोमेंट देता है। तो मार्केट वहीं पे तिल मिलाता ही लिलाता हुआ घूम रहा है एंड हमारा पुट ऑप्शन का दूसरा टारगेट अभी भी पेंडिंग है। देखिए फिर से फास्ट नीचे जा रहा है मार्केट, 606 का टारगेट है, 617 के भाव के आसपास, 614 के भाव आ गया है एंड वहीं पे ऊपर नीचे करता रह रहा है मार्केट। अवश्य हमारा जो दूसरा टारगेट वो हिट हो जाए बट अभी नहीं लग रहा है, टाइम लगेगा दोस्तों। 609 का लो मार चुका है, 606 का टारगेट है, 612 तक भी आ गया, 612, 609 का 9.40 का लो है आप देख सकते हैं, 606 का टारगेट है दोस्तों, हिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 609, 610 वहीं पे ही मंडरा रहा है दोस्तों, 608, 607, 607 से वापस फिर 609 अगेन, 612 वहीं पे मंडरा रहा है दोस्तों। टारगेट हिट कर दे भाई, 609, 608, 607, 607 से घूम रहा है, जी हाँ हिट हो गया। देखिए पहला टारगेट 377 में निकला था, दूसरा टारगेट 382 में निकला। इस ट्रेड में हमें मोटा मोटा जो है यहाँ पे 11 पॉइंट, यहाँ पे 6 पॉइंट, यानी कि 17 पॉइंट का प्रॉफिट मिला यहाँ पे दोस्तों। अभी भी हम नेगेटिव साइड में है ओवरऑल बेसिस पे। स्टे ट्यून दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करते हैं। तो कॉल ऑप्शन का एक बाय मिल गया है, देखते ही देखते थोड़ा सा जो हम लेट हो गए, वीडियो को रिज्यूम करते करते रिफ्रेश करते यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिख रहा है, अगर हिट होता है तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको अपडेट करता हूँ, ये जो एंट्री अभी 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 हुआ है 34,621 के भाव में एंट्री हुआ है। पहला टारगेट जो बन के आ रहा है 34,658 का आ रहा है, दूसरा 34,674 का आ रहा है और स्टॉप लॉस जो है 34,603 का है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला 643 के आसपास अभी मंडरा रहा है मार्केट, 658 का पहला टारगेट है, होपफुली हिट हो जाए। 643 44 के भाव में घूम रहा है दोस्तों, स्टे ट्यून्ड अपडेट करता हूँ। ये दोस्तों पुट ऑप्शन में भी एंट्री बन सकता है, ऐसा सिनारियों के आसपास है मार्केट, बन भी सकता है। ये कंडीशन को हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, देखते हैं बनता है कि नहीं। जी हाँ बन गया है दोस्तों पुट ऑप्शन में एंट्री। देखिए 34,600 के पुट में 378.00 के भाव में हमें एंट्री मिल गया है, एक मिला है 374.90, दूसरा 378 पे मिला है। देखिए दोस्तों इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे गौर फरमा के देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो एंट्री हुआ है हमारा 34,627 के भाव में एंट्री हुआ है, 34,593.15 का पहला टारगेट, 34,575.95 का दूसरा टारगेट है, स्टॉप लॉस 34,644 का है। स्टे ट्यून दोस्तों किस साइड मार्केट मूवमेंट करता है, दोनों तरफ का कॉल और पुट एंट्री होके हमारे पास कंडीशंस ऑलरेडी हैं, स्टे ट्यून। तो पुट ऑप्शन जो दिया गया है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है दोस्तों, 378-374 के भाव में जो पुट ऑप्शन लिया था 368 के भाव में, उसका स्टॉप लॉस चला गया है दोस्तों। काफी स्टॉप लॉसेस आज गए हैं, प्राइस चल रहा है 34,650 के करीब, 656-58 में पहला 58 में हमारा पहला कॉल ऑप्शन का टारगेट है। जैसे ही वो हिट होगा हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। 58 में पहला टारगेट था और 56.75 से मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आ गया, स्टे ट्यून दोस्तों अपडेट करता हूँ। इस बार हिट हो जाना चाहिए दोस्तों, आई होप इस बार हिट हो जाए। 652-651 के भाव के आसपास चल रहा है, 650 वेट करते हैं दोस्तों, नॉट इन ए मूड मार्केट। बार बार कोशिश कर चुका है मार्केट कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस लेने के लिए, इस बार ले जाएगा, ले जाने दीजिए, इतना परेशान की कौन झेलेगा, ले जाना है स्टॉप लॉस ले जाओ, बस थोड़ा सा ही दूर है, ले जाओ भाई। 603, 604 के आसपास का लो है शायद, एक सेकंड रिफ्रेश करता हूँ।
ले जाना चाहिए। जी हाँ, चला गया स्टॉप लॉस। जो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था यहाँ पे 413, 413 के भाव में, 403, 403 के भाव में, यानी कि लगभग 10-10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:59, लास्ट ट्राई ऑफ द मार्केट है। अगर ये क्रॉस हो जाता है, देखिए और कोई एंट्री नहीं बनेगा आज के डेट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड देयर विल बी नो एंट्री टुडे फर्दर। ये कैंडल कंप्लीट होगा, स्टॉप लॉस हमारा लेके चला गया मार्केट। ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था दोस्तों 34,603.75 का। मार्केट ने जो लो मारा 34,601.90 का मारा है दोस्तों, वहीं से वापस घूम गया है। देर विल बी नो फर्दर एंट्री टुडे, कुछ भी और एंट्री नहीं होगा आज के डेट में। ये 10:01 के बाद जो स्ट्रैटेजी एंड अप हो जाता है, कोई भी नया एंट्री बनता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डाउनलोड करके कि आज के डेट का जो टोटल पीएनएल है वो क्या निकल के आ रहा है। इमीडिएट बेसिस में डाउनलोड हो गया, ओपन वेन डन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन हो जाएगा दोस्तों, वो शीट को हम इमीडिएट बेसिस में एनेबल एडिटिंग करेंगे और ऑर्डर्स के बगल में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे जिसका नाम देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद इसमें कंडीशन डालेंगे इज इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू बाय, अगर ये बाय होगा तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और एल्स हमें क्या करना है, इसको ही रख लेना है। इसको रख के ब्रैकेट क्लोज करते हैं दोस्तों, एंटर मार देते हैं और इस चीज को सारे सेल्स में अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, ऑटो सम कर देंगे। 44 पॉइंट का लॉस आज के डेट में हमने झेलने को मिला है, और वो कुल मिला के कितना होता है, बैंक निफ्टी के लॉट साइज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25, एंटर करते हैं तो 1,102 रुपये का हमें आज के डेट में एसएल झेलने को मिला है। बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर रिलेवेंट कंटेंट।